6S आया है जो जिसके अंदर शॉटिंग है। तो पहले मैं मल्टीमीटर में आपको दिखा देता हूँ, मैं फ़ोन को ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर में देखेंगे, ये मैं बजर मोड में रख दिया है मल्टीमीटर को, अभी हम देखेंगे। आप देख सकते हो देखो कि 300-400 के करीब आ रहा है। दूसरी साइड पे हम देखते हैं, दूसरी साइड पे 439 जैसा आ रहा है, आप देख सकते हो। उसका मतलब है उसके अंदर शॉर्टिंग है। अभी हम क्या करेंगे, डीसी पावर सप्लाई में हम चेक करेंगे कि डीसी पावर सप्लाई में क्या रीडिंग ले रहा है, वो भी हम आप देख दिखा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप देख सकते हो, ये देखो ऐसे करके, ये देखो छोड़ रहा है और ले रहा है, छोड़ रहा है ले रहा है। इसका मतलब ये फ़ोन के अंदर कंपोनेंट तो शॉर्ट है ही नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से ये रेडी यहाँ पे मतलब एम्पियर ले रहा है, इसका मतलब ये कंपोनेंट शॉर्ट है ही नहीं। तो मतलब कोई ना कोई आईसी शॉर्ट हो सकता है। तो उसके लिए मैं इधर जाता हूँ, इधर पे आप देख सकते हो ये शॉर्ट किलर है। शॉर्ट किलर को मैं अप्लाई करता हूँ। देखो 1.5 जो रेगुलर होता है, अगर 1.5 पे अगर कोई कंपोनेंट पे ये एम्पियर ले लेता है, उसका मतलब है कोई कंपोनेंट शॉर्ट है। अगर इतने एम्पियर पे नहीं ले रहा है, उसका मतलब है कि आईसी शॉर्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे VPF V पावर। मैंने 6S खोल के रखा है, तो VPF V पावर की लाइन ये रही। देखो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करके हम देखेंगे। आप देख सकते हो 1.8 वोल्टेज यहाँ पर मैंने सेट करके रखा है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करके देखेंगे कि एम्पियर ले रहा है कि नहीं डायरेक्ट। अब देख सकते हो मैं अभी ले, ये देखो नहीं ले रहा है 1.8 वोल्टेज में, मतलब कोई एम्पियर ले ही नहीं रहा है। अभी मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मान के चलो कंपोनेंट शॉर्ट होता है तो ये इतने एम्पियर में ये वोल्टेज ले लेता, मतलब उसका शॉर्टिंग निकल ही जाना था अगर कोई कैप शॉर्ट होता तो। तो अभी मैं उसको वोल्टेज को बढ़ाता हूँ, देखो मैंने 3.6 रख दिया है। अभी ये एम्पियर लेना चाहिए, उसके लिए अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ्लक्स लगा देता हूँ। फ्लक्स लगा के हम चेक करेंगे। अब देखो ये मैंने फ्लक्स लगा दिया है, अभी मैं इसको ऑन करूँगा। कैमरा को मैंने ऑन कर दिया, कैमरा को ऑन कर लेता हूँ। अभी देखो ये मैंने सारी जगह पे ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन VPF V पावर की है। यहाँ पे मैं 3.6 वोल्टेज एम्पियर अप्लाई करूँगा। तो ये देखो ये मैं सारी जगह पे मैंने वो लगा दिया है। ये पावर ये चार्जिंग आईसी है, मेरे ख्याल से यही शॉर्ट होगी क्योंकि ये चार्जिंग आईसी पे सबसे ज़्यादा लोड आता है। तो पहले हम उसके ऊपर फोकस करके देखेंगे कि यहाँ पर कुछ चलता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये देखो अभी मैं यहाँ पे अप्लाई देने जा रहा हूँ, वोल्टेज को अप्लाई देने जा रहा हूँ। एक मिनट पहले देख सकते हो, आप देख सकते हो अभी मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ 3.6 वोल्टेज। देखो अभी मैं ये लगाता हूँ, देखो ये देखो ये आईसी जल चुकी है। ये देखो यहाँ पे फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, रोजन फ्लक्स लगा के। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखना
लिए मैं अभी वोल्टेज को अप्लाई दे रहा हूँ। देखो 3.6 रखा है, आप देख सकते हो इधर 3.6 रखा है। 1.8 वोल्टेज पे कोई एम्पियर नहीं ले रहा था, मतलब शॉर्टिंग नहीं ले रहा था। अभी मैं 3.6 रखा है, अभी आप देख सकते हो। अभी मैं उसको, ये देखो मैं अप्लाई देने जा रहा हूँ। वो आईसी पे नज़र रखना, ये वाले आईसी पे, ये वाले आईसी हीट हो जाएगी। ये देखो हीट हो गई, इसका मतलब यही जो चार्जिंग आईसी है इसका ही फॉल्ट है। तो हम क्या करेगा, अभी हम चार्जिंग आईसी को रिप्लेस करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ और लगा के पहला हम उसका पोजीशन देख लेते हैं, कौन सी साइड पे है पोजीशन। जो फ्लक्स लगाया है तो पता नहीं है कौन सी साइड का पोजीशन है। इसके लिए हम ये वाली साइड पे पोजीशन है, उसके नीचे वाली साइड पे। तो अभी हम क्या करेंगे, फ्लक्स को अप्लाई करेंगे। इसी को निकाल दिया है, जो हम साफ कर लेते हैं। Thank you.
हमारे पास नया आईसी है, नए आईसी को लगाएगी। ये वाला पुराना आईसी जो निकाला है, ये वाला है, आप देख सकते हो। मैंने नया आईसी भी लगाने जा रहा हूँ। अभी आईसी कंप्लीट बैठ गया है, थोड़ा ठंडा होने देते हैं आईसी को, उसके बाद में हमारा परफेक्ट लग गया है। एक बार हम इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले जो रीडिंग ले रहा था, अभी क्या रीडिंग ले रहा है। ये देखो 1000 के ऊपर आ गए, आप देख सकते हो। 1000 से नीचे होना चाहिए, दूसरा साइड आप 500, 550, 600 तक में होना चाहिए। ये देखो, इसका मतलब ये शॉर्टिंग निकल गया है, फ़ोन भी ऑन होना चाहिए। अभी हम आप देख हम देखेंगे दूसरा, जिसे पावर सप्लाई में डायरेक्ट एम्पियर ले रहा था, अभी वो भी हम चेक करेंगे। आप देख सकते हो कंप्लीट, मतलब कि अब डायरेक्ट नहीं ले रहा है, आप देख सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, फ़ोन को इसके हाउसिंग के अंदर कनेक्ट करके देखते हैं। ये हमने लगा दिया, फोन को ऑन करके देखते हैं। डिस्प्ले को लगाइए, देख सकते हो एम्पियर ले रहा है, बैटरी बहुत ही लो है। अभी ये लोगो आ गया, देखो ये 10 ले लिया, उसका मतलब ये चार्जिंग हो रहा है। अभी बैटरी कम्प्लीटली, मतलब उसके अंदर शॉर्टिंग ही था, आईसी शॉर्ट था मेन, जो DC-to-DC कन्वर्टर बोल सकते हैं एंड्रॉयड के अंदर। इस तरीके का आईफोन में भी ऐसा ही आईसी होता है, जैसा एंड्रॉयड में काम करता है वैसा आईफोन में भी काम करता है। तो पूरा ये बैटरी का सोर्स है वो खींच लिया होगा, उसके लिए बैटरी तो बहुत ही लो है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इंडिकेट दिखाई दे रहा है, अभी देखो देख सकते हो अभी बैटरी लो है, फ़ोन ऑन हो जाएगा। जैसे ही बैटरी चार्ज होगी फ़ोन हो जाएगा। ये फ़ोन हमारा कंप्लीट ऑन हो चुका है, मतलब मैं आपको DC पावर में भी अभी आपको मैं ऑन करके दिखा देता हूँ एक बार, अभी देख लो। क्योंकि इसका डाटा केबल नहीं है मेरे पास, तो मैं इससे ही ऑन करके लोगो ला के आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने
देख सकते हो इधर, आप देखो इधर 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 आप देखो ये लोगो आ गया है फ़ोन के अंदर, आप देख सकते हो। तो फ़ोन भी ऑन हो जाएगा, ये बूटिंग हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि मैं इसके बैटरी पे ऑन नहीं हो रहा है ना। ये देखो फोन ऑन हो गया कंप्लीट, आप देख सकते हो। ये देखो आप देख सकते हो, देख लो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।